कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह आप सबको स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह क्या हुआ है, पतिदेव सुबह सुबह जल्दी उठ गए और उठ के आज पतिदेव सबसे पहले नहा लिए और नहा के क्या किए, पूजा कर दिए, सबसे बड़ा काम। और अभी पतिदेव पूजा और बजा दिए शंख। पतिदेव डाल रहे हैं अभी सूर्यदेव को लोटा, सूर्यदेव को पानी डाल रहे हैं। हम वीडियो शूट कर रहे हैं इसीलिए पतिदेव को हंसी आ गया है। आप लोग देख सकते हैं मेरा भाई लाल अभी भी सो रहा है। सुबह का बज रहा है 9:30 और इस महाशय का नींद अभी नहीं टूटा है। ये महाशय क्या करेंगे ज़िंदगी में, सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे और कॉफ़ी गिराएंगे। और आज है फ्राइडे और आज सुबह से मेरा बहुत मन कर रहा है इडली खाने का। तो आज घर में ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, पतिदेव ऑनलाइन इडली ऑर्डर किए हैं, अभी इडली वाला इडली देने आने ही वाला है और हम लोग इडली का ब्रेकफास्ट करते हैं और आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। आ गया है हम लोगों का इडली वड़ा, चलिए ब्रश कर लेते हैं और फिर खाते हैं, क्योंकि पतिदेव आज सुबह उठ के नहा के पूजा कर लिए, इसका मतलब पतिदेव आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए, वो ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे पैदल चलने। अब तो मॉर्निंग वॉक होगा नहीं, पैदल चलना उसको बोल सकते हैं। तो चलिए ब्रश करते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोगों का आ गया है इडली और बड़ा, तो प्लेट में निकालते हैं और पतिदेव को खाने के लिए देते हैं। ये निकाल लिए हम इडली, पैकेट में भाई के लिए छोड़ दिए हैं, और ये है सांभर बड़ा और ये चटनी और ये प्लेट चम्मच कटोरी। चलिए अब हम लोग खाते हैं और खा के बताते हैं कि कैसा बना है। पतिदेव खाना स्टार्ट कर चुके हैं, मेरे लिए वेट नहीं किए क्योंकि मेरे पतिदेव बहुत पेटू है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगा है। चलिए ट्राई करते हैं इडली सांभर। बहुत यम्मी है। आज बहुत जल्दी सो के उठ गए थे और आज जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट भी कर लिए क्योंकि बनाना नहीं पड़ा, तो ब्रेकफास्ट भी जल्दी हो गया था। और सुबह उठ के पहले वीडियो एडिटिंग कर रहे थे तो बहुत जल्दी उठ गए थे, इसीलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से नींद आने लगा। पतिदेव मेरा कुछ काम कर रहे थे और हम इस बहाने थोड़ा देर सो लिए, सो के उठ गए हैं। अभी चलिए लंच का तैयारी करते हैं, लंच बनाते हैं। घर का सारा काम लगभग भाई कंप्लीट कर ही दिया है, घर साफ़ करना, बर्तन उर्तन धोना, भाई सब कुछ कर ही दिया है, सिर्फ लंच बनाना बाकी है। सब्जी उब्जी कटा हुआ है, फटाक से जाते हैं और फटाफट लंच बना लेते हैं और फिर नहा धो के आप लोगों के साथ मिलते हैं। आज लेट हो गया मेरा थोड़ा सा नहाने में, तो क्योंकि बाथरूम क्लीन करना था, बहुत दिन से बाथरूम गंदा हो गया था, तो यही सब काम करते करते थोड़ा सा लेट हो गया था। पतिदेव को भाई को लग गया था बहुत भूख, तो आज खाना पतिदेव खुद सर्व किए, खुद अपना लिए और भाई का भी दिए, तो वो दोनों खा रहे खाना। लगभग खाना हो ही गया, मेरा भी पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है, देख सकते दोनों खाना खा रहा है, दोनों का खाना लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी हम थोड़ा सा बाल सुखा लेते हैं और फिर खाना खाते हैं। और आज खाने में बना है साग और अंडा करी, तो अभी हम खाते हैं। पतिदेव का खाना कंप्लीट हो गया, भाई का भी हो गया, अभी खाते हैं, खा के मिलते हैं। भाई बेड को उठा लिया यहाँ से और उसको सोफा बना दिया और यहाँ पे बिछा दिया है। अब हम यहीं पे बैठ के बालकनी का मजा लेंगे, देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर हो गया। अब हम बालकनी में यहाँ पे बैठेंगे और हवा खाएंगे। और ये रहा मेरा बेड, सोफा में बदल गया, अब हम यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे हम बैठ गए हैं बालकनी में और यहाँ पे बैठ के ऑडियन मॉल का झील साइड का मज़ा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा आ रहा है।
भाई और पतिदेव अभी जा रहे हैं मंदिर, विश्राम होते हैं क्योंकि मंदिर में वो शिवरात्रि का पूजा का जो भुज्जी था पंडित को देना पड़ता है वो रह गया था, वो दिया नहीं गया था, तो रोज जाएगा लकड़ के जाता नहीं है। आज फाइनली भाई और पतिदेव दोनों जा रहे हैं मंदिर भुज्जा देने, हम नहीं जा पा रहे क्योंकि माथा बहुत पकड़ के रखा है और फिर शाम के बाद हमको ज़्यादातर पतिदेव बाहर नहीं लेके जाते, इसलिए भाई और पतिदेव जा रहे हैं और यहाँ बैलकनी में बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। थोड़ा देर रिलैक्स मिला तो फिर अमरूद खा रहे हैं। आज दोपहर को बनाए थे अंडा करी और रात के लिए दो अंडा बचा हुआ था। तो पतिदेव और भाई अभी क्या कर रहे, मशरूम लेके आया है, मशरूम और आलू को फ्राई करके अंडा करी से मिला के मजेदार चटपटा सब्जी बना रहे, देख सकते हैं। इधर पतिदेव भाई कहाँ गया, यहीं पे तो था, हो रहा भाई पीछे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो रात को हम लोग खाती हैं मशरूम अंडा करी और रोटी। सो फ्रेंड्स बज गया रात का 10 और पतिदेव खाना खा चुके हैं और भाई भी खाना खा रहा है, मेरा भी आखिरी रोटी सेकना हो गया है, हम भी खाना खा लेते, खाना खा के मशीन चलाएंगे वॉशिंग मशीन, फिर सोने का तैयारी करेंगे। तो आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर अभी तक इस ब्लॉग को आप लोग कंटिन्यू किए तो छोड़ के जाने के पहले प्लीज़ एक लाइक एक कॉमेंट एक शेयर कर दीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे रहिएगा, सेफ रहिएगा, गुड नाइट, बाय बाय।